हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अमिका दैया, वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेज टॉपिक इज स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका एक्रोनिम है SMIS। ये आपको फुल फॉर्म भी बेटा याद करनी है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ आवर सेकेंड ईयर बुक SLM, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एक्रोनिम SMIS स्टैंड फॉर स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली। मतलब जो स्कूल को कैसे मैनेज करते हैं और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो भी सिस्टमैटिक बॉडी है वो हमारी SMIS कहलाती है। रिपोजिटरी, मतलब इसका क्या कार्य है, सबसे पहला तो यही है, डाटा कलेक्शन करना, उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना और एजुकेशनल जितने भी इंफॉर्मेशन है उसकी फंक्शनिंग स्कूल में देखनी। ठीक है, तो यह स्कूल के कामकाज, शिक्षा, जानकारी, डाटा संग्रहण, विश्लेषण, रिपोर्टिंग के लिए एक भंडार है। द इंफॉर्मेशन मे बी सप्लाइड और यूटिलाइज, कौन कौन इसे यूज कर सकता है और कौन सप्लाई कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, एनजीओ, पॉलिसी मेकर, स्टेट, नेशन, नेशनल ऑफिसर, ऑफिशियल्स, कम्युनिटी, स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स इसमें इंफॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन को यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, SMIS, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और मैंने क्या कहा, कौन कौन इसकी एडिंग कर सकते हैं, प्रिंसिपल कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, स्टेक होल्डर कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, स्टेट पे अगर कोई लेवल पे कोई कमिटी है, नेशनल लेवल पे है जो, और कम्युनिटीज इसमें क्या कर सकती हैं, अपना पार्टिसिपेशन दे सकती हैं, ऑल्सो इंक्लूडेड द एनजीओस। देन इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ SMIS। टेलम क्या कहते हैं, टेलम का क्या मानना है, अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजाइन टू मैच द स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट टास्क, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड स्पेशल नीड ऑफ द स्कूल। क्यों बनी है, क्योंकि ये एक प्रबंधन जो सूचना प्रणाली है उसकी संरचना की, वो कैसे काम करती हैं, क्या शिक्षण प्रक्रिया रहेगी, मतलब क्या एजुकेशनल स्ट्रक्चर रहेगी उसकी, क्या मैनेजमेंट के टास्क रहेंगे और स्कूल के लिए जो विशेष आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है उनको जानने के लिए। दूसरा पेगलर क्या कहते हैं, अब ब्रॉड डेफिनेशन में बात करूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, स्कूल में इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए, स्कूल एनवायरमेंट को लर्निंग प्रोफेशनल बनाने के लिए, टीचर्स को इनेबल कर सकें कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में करें, टीम्स की वर्किंग को ध्यान से देख सकें और जो बच्चों की नीड्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम बनाया गया है वो हमारी SMIS है। ठीक है, इसके बाद नीड इम्पोर्टेंस, क्या इसकी जरूरत रही है और क्या आवश्यकता रही है, इस महत्व है इसका। तो सबसे पहले है कि डाटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कैसे स्टोरेज कर रही है, उसके बाद एनालिसिस कैसे हो रही है और स्कूल उन इन्फॉर्मेशन को अपने स्टेक होल्डर तक या टाइम डाटा को कैसे, जहां पे जरूरत होती है, रिलायबल बॉडी के हम भेजते हैं और कैसे वो काम कर रहे हैं। ऑथेंटिक बनाने के लिए, डाटा को और प्रमाणित करने के लिए, प्लानिंग को बेटर करने के लिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो रखने के लिए, जिससे हमारी डुप्लीकेशन वगैरह वो जो है डिलीट हो सके, मतलब हम डुप्लीकेशन कम से कम कर सकें और जो हमारी परवाह है वो बिल्कुल कैसा रह सके, व्यवस्थित रह सके और सूचनाएं जो है वो एक निश्चित अंतराल के बाद या तो ऐड हो जाए या फिर यूटिलाइजेशन हो। इसके बाद है SMIS ऑल्सो लीड टू इनरिच वॉट ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, की हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशन ICT कैसी है उस पर भी काम कर सके। इनर मतलब इनसाइड स्कूल, अगर किसी डाटा की जरूरत है तो वो फ्लो कैसे करना है, आउटर अगर आउटर कहीं इंफॉर्मेशन है जरूरत तो उनको कैसे करना है, डिमांड और सप्लाई कैसे, डिमांड I mean कि जैसे अगर आपका डाटा जैसे क्लास 9th में हो तो स्टूडेंट्स का डाटा जो है हमें अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को भेजना है, या तो CBSE को भेजना है, कोई हरियाणा से तो HBSE को भेजना है, जैसे अलग अलग स्टेट है उनके बोर्ड है तो वहां पे कैसे जाएगा और पेरेंट्स, कम्युनिटी, एनजीओ वाले उस डाटा को कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज देर आर रिसर्चर ऑल्सो हु वॉन्ट टू यूज द डाटा ऑफ अ चाइल्ड। डाटा आई एम नॉट सेइंग द पर्सनल वन, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चों का ओपिनियन रिकॉर्ड किया जा सकता है, बच्चों की अकेडमिक देखा जा सकता है कि उनके बेटर एक्सपीरियंस बनाने के लिए वो क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हैं और हमारी कम्युनिटी को भी जरूर शो करने चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बता सकें कि भाई जिसका उत्तरदायित्व है वही अपना काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को अपने पास रख सकें। इन्फॉर्मेशन जो है ओवरलोड इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब हमारे पास इतनी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है उसे हमें कैसे समराइज करके, कन्फ्यूजन्स को रिमूव करके और डुप्लीकेशन को रिमूव करके एक मिनिमाइज इन्फॉर्मेशन बनानी है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बनानी है, एंड विच इज वेरी मच इफेक्टिव। ठीक है,
और वो डिटेल्ड भी रहे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ डिलीट करके आप कहो कि मैंने आपका नाम लिख दिया, अनामिका यू आर रीडिंग इन दिस क्लास और बात हो गई। नहीं, ब्रीफ करना है, कन्फ्यूजन्स को डिलीट करना है, बट इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ही रहेगी। इफेक्टिवनेस बढ़ती है, आपका टाइम की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एनर्जी की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और मनी की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगी और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के, वो डाटा एक ही जगह से आराम से प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो एजुकेशन सिर्फ एक के अंडर हुआ करती, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करने का, विकेंद्रीकरण करने का यह भी मतलब है कि जो इनोवेशन हैं या जो मैंने अभी नाम लिया रिसर्च स्कॉलर का, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो कि वो अपने स्कूल एक्सपीरियंसेस को एज अ रिसर्च प्रयोग में ला सके। ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कि स्कूल की पूर्ण जो रूप से इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए, एंड इट विल सर्व द इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक है वो बना सके। मैनेजर और प्रिंसिपल्स हैं, उनको कैसे राइट टाइम पे काम करना है, क्या करेक्टिवनेस देनी है और कौन से ऐसे केस है जिनसे उन्हें खुद को डेविएट रखना है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें भी स्कूल में हो जाती हैं, उनसे डेविएट रखना है और अपने स्कूल के एक स्टैंडर्ड है वो डिसाइड कर लेने कि हमें अपना स्कूल जो है आफ्टर दिस टाइम हमें यहाँ पे देखना है। SMIS as a tool for effective management in a school, जो स्कूलों में प्रभावी प्रबंधन है उसको बनाने के लिए SMIS हमारे पास एक टूल है जिसके प्रयोग से आप स्कूल को बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी तक लेके जा सकते हो। तो SMIS की क्या, देखो मैं बात कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे, तो SMIS not only includes the student information but also include the information of a teacher and stakeholder। तो बच्चों की और स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है उनको एड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना है, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो अपर टू लोअर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वर्टिकली कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है कि बच्चों के पेरेंट्स जानना चाहते हैं, और हॉरिजॉन्टल भी टीचर से टीचर्स को इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिल सकती है, बच्चों के स्टूडेंट्स के जो वर्क है उसे डिस्प्ले किया जाए, अचीवमेंट्स को बार बार क्या करा जाए, अनाउंस करा जाए, जिससे और बच्चे भी ज्यादा मोटिवेटेड हो टू डू द बेटर वर्क इन देयर फील्ड। कैलेंडर एक्टिविटी बना दी जाए, मतलब जो भी आपका अपकमिंग ईयर रहेगा उसमें कब छुट्टियां होंगी, कैसे छुट्टियां होंगी, कौन से मंथ में कौन सी डेट को कौन सा काम कराया जाएगा, सेलिब्रेशन कैसे कराए जाएंगे, कौन कौन इंक्लूड रहेंगे सेलिब्रेशन के एज अ मेंबर, क्या क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करानी है, जैसे कुकिंग विदाउट फायर कराना है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कराना है, ऐसी जो एक्टिविटी है वो भी कैसे परफॉर्म करानी है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड इसे में होगा, इन्फॉर्मेशन की क्विक ट्रांसफर हो जाएगा स्टेक होल्डर्स तक, डॉक्यूमेंटेशन बनना इजी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ भी देख लेंगे, मतलब किसने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में कितना अच्छा काम किया है, मिस्टेक्स यहाँ से बहुत आसानी से पता चल सकती हैं, और इजियर क्रॉस्पॉन्डेंस है, मतलब अगर आपको ना कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, लिखना है, रिकॉर्ड फॉर्मेशन करनी है, तो वो भी बहुत इजियर हो जाएगा यहाँ से। नेशनल और स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो इस डाटा को इजीली यूज कर सकते हैं, एंड करिकुलम अपडेशन भी हो सकती है, मतलब करिकुलम का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखकर अगर बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं और मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस पे और टीचर भी अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से एलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको करिकुलम डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करिकुलम अच्छा है बट एक टीचर्स के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है तो आप कैसे डेवलपमेंट करोगे, इन चीजों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो हमारी SMC क्या थी, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच द स्कूल इज मैनेजिंग देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक अ सीक्वेंशियल और डाटा फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो स्कूल है वो डाटा को यूज कर सकता है, बच्चे डाटा को यूज कर सकते हैं, टीचर्स डाटा को यूज कर सकते हैं, एंड SMIS ऑल्सो इंक्लूड द प्रोफाइल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ, नेशनल एंड स्टेक होल्डर इसे यूज कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन का यही था कि आप अपने अचीवमेंट को बताएं, आप अपने अपग्रेडेशन बताएं, करिकुलम डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकें, और जो चीजें हमारी अच्छे से उजागर होकर आने चाहिए, अचीवमेंट है, मोटिवेशन बढ़े बच्चों का, वो हम अच्छे से बता सकें। और SMIS के मेन कार्य यही थे कि डाटा का कलेक्शन कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, एनालाइज कर सकें, ब्रीफिंग करके रिकॉर्डिंग कर सकें, तो आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, स्कूल की इंफॉर्मेशन को जहां सेव रखते हो वही आपकी SMIS है। और इसे टाइम आने पे अगर आप बिना किसी नेग्लिजेंस के यूज कर पा रहे हो, आप इनमें से मिस्टेक्स को रिमूव कर पा रहे हो, तो दिस आर द इफेक्टिवनेस ऑफ SMIS। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर, बहुत इजी टॉपिक था, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ SLM, हमारी स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट सेकेंड ईयर की बुक का टॉपिक है। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, थैंक यू।